Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 5th English literature, that is chapter 13, The Hockey Wizard. The Hockey Wizard means Hockey Ka Jadugar. Students, इस chapter में आज हम पढ़ने जा रहे हैं India के famous hockey player ध्यानचंद के बारे में, जिन्हें कहा जाता है Hockey Ka Jadugar, The Hockey Wizard. Let us start the chapter. मेजर ध्यानचंद सिंह वाज बोर्न इन उत्तर प्रदेश ऑन अगस्त 29th 1905. हिज फादर सूबेदार समेश्वर दत्त सिंह प्लेड हॉकी इन द आर्मी. मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में 29th अगस्त 1905 को हुआ था. उनके फादर सूबेदार समेश्वर दत्त सिंह आर्मी में थे और वे आर्मी में हॉकी भी खेलते थे. ध्यान सिंह फैमिली केप्ट मूविंग टू डिफरेंट सिटीज वेयर हिज फादर वाज ट्रांसफर्ड ऑन ड्यूटी. हिज स्कूलिंग सफर्ड एज अ रिजल्ट एंड ही स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल आफ्टर ही कंप्लीटेड क्लास 6. ध्यान सिंह की फैमिली डिफरेंट सिटीज में अलग अलग शहरों में मूव करती थी, जहाँ भी उनके फादर का ट्रांसफर होता था, जहाँ उनके फादर की ड्यूटी के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होता था. ध्यान सिंह की फैमिली अलग अलग शहरों में शिफ्ट होती थी, जिसका रिजल्ट हुआ ध्यान सिंह की स्कूलिंग लाइफ में कठिनाइयां आईं और ध्यान सिंह ने अपनी क्लास 6 तक की स्टडी कंप्लीट करने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया. द फैमिली फाइनली सेटल्ड इन झांसी वेयर ध्यान फादर गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर अ हाउस. और आखिरकार ध्यानचंद की फैमिली झांसी में सेटल्ड हो गई, जहाँ उनके फादर ने हाउस के लिए घर के लिए थोड़ी सी जगह लिया था. यंग ध्यान डिड नॉट शो एनी स्पेशल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स दो ही लव्ड रेसलिंग. इन फैक्ट हिज हॉकी कैरियर हैड क्वाइट एन ऑर्डनरी बिगनिंग. ध्यान जब यंग थे तब उनका कोई स्पेशल इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की ओर दिखाई नहीं देता था, जबकि वे रेसलिंग करते थे, उन्हें रेसलिंग करना पसंद था. इनफैक्ट उनके हॉकी कैरियर की स्टार्टिंग भी ऑर्डनरी थी, उनके हॉकी कैरियर की शुरुआत भी बिल्कुल साधारण हुई थी. ध्यान एंड अदर यंगस्टर्स यूज टू कट अ ब्रांच ऑफ डेट पाम ट्री एंड रिमूव्स द लीव. यंगस्टर्स मीन्स उनके एज के दूसरे बॉयज. ध्यान और उनके फ्रेंड्स हॉकी स्टिक बनाने के लिए खजूर के पेड़ की ब्रांच को काट कर और उसके पत्तों को हटा देते थे, उनको रिमूव कर देते थे, जिससे कि वे उससे हॉकी स्टिक बनाते थे. और हॉकी स्टिक बनाने के लिए वे ब्रांच के एंड पॉइंट को नीचे से कर्ब देते थे, कर्ब में जिस तरह से मोड़ देते थे, जिससे कि उनकी हॉकी स्टिक तैयार हो जाए. एंड दे वुड मेक अ बॉल फ्रॉम ओल्ड रैग्स. रैग्स मीन्स टॉर्न पीसेस ऑफ क्लोथ, कपड़े के जो फटे हुए पीसेस होते हैं उसे कहते हैं रैग्स. वे बॉल बनाने के लिए पुराने और फटे हुए कपड़े के पीसेस का यूज़ करते थे. और इस तरह से ध्यान सिंह और उनके फ्रेंड्स हॉकी स्टिक और बॉल बनाकर हॉकी खेला करते थे. इन 1922 एट द एज ऑफ 17 ध्यान सिंह ज्वाइंड द इंडियन आर्मी. ही वॉज अ स्पाय ऑफ द 14 पंजाब रेजिमेंट. वाइल सर्विंग इन द रेजिमेंट ही केम इन कॉन्टैक्ट विद सूबेदार मेजर भोले तिवारी. 1922 में ध्यान सिंह जब 17 ईयर के थे उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया. ध्यान सिंह 14 पंजाब रेजिमेंट में एक स्पॉय थे, स्पॉय मीन्स अ पुलिस कॉन्स्टेबल थे. जब वे रेजिमेंट में सर्विस कर रहे थे उस दौरान उनकी मुलाकात सूबेदार मेजर भोले तिवारी से हुई. मेजर तिवारी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉकी एंड ही वाज अ गुड प्लेयर हिमसेल्फ. ही रिकॉग्नाइज्ड द टैलेंट इन ध्यान सिंह. ही बिकेम ध्यान्स गुरु एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज गेम. मेजर तिवारी बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे, हॉकी में बहुत अच्छे थे और वे अपने आप में एक अच्छे प्लेयर भी थे. मेजर तिवारी ने ध्यान सिंह में छिपे हुए टैलेंट को पहचाना और वे ध्यान सिंह के गुरु बन गए और ध्यान सिंह के गेम को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसे निखारा. तिवारी एंड ध्यान सिंह हैड नो फिक्स टाइम टू प्ले.
ध्यान सिंह आल्सो हैड टू पे अटेंशन टू द आर्मी ड्यूटीज एंड कुड नॉट फाइंड इनफ टाइम फॉर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे। तिवारी और ध्यान सिंह का खेलने का टाइम कोई फिक्स नहीं था। ध्यान सिंह को अपनी आर्मी ड्यूटी पर भी अटेंशन देनी होती थी और वे प्रैक्टिस करने के लिए दिन के समय टाइम नहीं निकाल पाते थे, इसलिए वे रात के समय अकेले ही मैदान में प्रैक्टिस करते थे। सो ही प्रैक्टिस्ड अलोन ऑन द फील्ड एट नाइट। व्हाइल दे रेस्टेड हिज आर्मी मेट्स कुड हियर हिम हिटिंग द बॉल फॉर आवर्स एट अ टाइम। जब वे रात के समय प्रैक्टिस करते थे उस समय उनके आर्मी मेट्स जो कि रेस्ट करते थे वे बॉल के हिट होने की लगातार कई घंटे आवाज़ सुनते थे। द लीजेंड ऑफ ध्यानचंद एंड हिज अनबिलीवेबल फीट्स ऑन द हॉकी फील्ड हैड बिगन। ध्यानचंद की हॉकी फील्ड में अविश्वसनीय अचीवमेंट की शुरुआत हो गई थी। इन 1962 ध्यान प्लेड हिज फर्स्ट मैच फॉर इंडिया ऑन द टूर टू न्यूजीलैंड बिगनिंग एन इंटरनेशनल कैरियर दैट लास्टेड 22 ईयर्स। 1962 में ध्यानचंद ने अपना पहला मैच इंडिया के लिए खेला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया 1962 में, और ये मैच इनका हुआ था न्यूजीलैंड में। टूर कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। और इस तरह से ध्यानचंद के इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत हुई और ये 22 ईयर्स तक लगातार चला। ध्यानचंद वॉन गोल्ड मेडल्स एट ओलंपिक गेम्स। ध्यानचंद ने ओलंपिक गेम्स में भी गोल्ड मेडल भी जीते। ध्यानचंद को पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम्स में मिला था एम्स्टर्डम में 1928 में, लॉस एंजल्स में 1932 में मिला, और एज अ कैप्टन बर्लिन में 1936 में गोल्ड मेडल मिला था। फ्रॉम अ रिपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ध्यानचंद्स परफॉर्मेंस इन बर्लिन ओलंपिक्स में ध्यानचंद की परफॉर्मेंस को देखते हुए एक रिपोर्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया विद अ फ्लिक ऑफ द रिस्ट। वे अपनी कलाई से इतना फास्ट मूव करते थे, अपनी कलाई को इतना फास्ट मूव करते थे, अ क्विक ग्लांस ऑफ हिज आइज, उनकी आँखों से इतना वो शार्प देखते थे, जल्दी देखते थे, अ शार्प टर्न, बहुत जल्दी उन्होंने टर्न लिया, देन अनदर टर्न, दूसरा टर्न लिया, एंड ध्यानचंद वाज थ्रो। मीन्स उनका जो वर्क था वो एक मैजिकल था, वो इतना फास्ट उनकी आइज, उनकी रिस्ट और उनका टर्न लेने का तरीका था। इस तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू एक रिपोर्टर ने बताया। ध्यानचंद कुड कंट्रोल द बॉल सो वेल विद हिज हॉकी स्टिक दैट हिज अपोनेंट्स थॉट दैट देयर वाज सम मिसचीफ एट वर्क। ध्यानचंद का बॉल पर और अपनी स्टिक पर, हॉकी स्टिक पर इतना अच्छा कंट्रोल था कि जो उनके अपोनेंट्स थे, उनके अपोजिट खेलने वाले प्लेयर्स थे, वे सोचते थे कि उनके जो काम करने का तरीका है उसमें कोई ट्रिक है, वो कोई ट्रिक का यूज़ करते हैं। द डच ब्रोक हिज स्टिक टू चेक इट देयर वाज अ मैग्नेट इनसाइड। और डच ने तो उनकी स्टिक को तोड़ दिया ये चेक करने के लिए कि कहीं स्टिक के अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है। और जैपनीज ने सोचा इट वाज ग्लू। जैपनीज ने क्या सोचा कि उनके स्टिक में ग्लू लगा हुआ था। ध्यानचंद मैजिकल स्टिक वर्क ड्र्यू क्राउड्स टू द हॉकी फील्ड। और ध्यानचंद का जो मैजिकल स्टिक वर्क था वो फील्ड में, हॉकी के फील्ड में भीड़ को खींचता था। हिज स्किल्ड स्टिक वर्क एंड अमेजिंग बॉल कंट्रोल लेफ्ट फेलो प्लेयर्स एंड स्पेक्टर्स अवेस्टक। ही अर्न्ड द निकनेम हॉकी विजार्ड। अवेस्टक मीन्स अमेज्ड। ध्यानचंद का हॉकी स्टिक पर और बॉल पर इतना अमेजिंग कंट्रोल था, इतना मैजिकल उनका कंट्रोल था कि उनका निकनेम पड़ गया हॉकी विजार्ड। उनका मैजिकल कंट्रोल स्टिक पर और बॉल पर कंट्रोल देखकर सभी अमेज होते थे, हैरान होते थे, जिससे कि उनका निकनेम ही हॉकी विजार्ड पड़ गया, हॉकी का जादूगर इनका नाम पड़ गया। व्हेन ही प्लेड एट द बर्लिन ओलंपिक्स अ जर्मन न्यूज़पेपर कैरिड अ बैनर हेडलाइन। जब ध्यानचंद ने बर्लिन ओलंपिक में खेला तब एक जर्मन न्यूज़पेपर
ने एक बैनर में हेडलाइन लिखी, द ओलंपिक कॉम्प्लेक्स नाउ हैज अ मैजिक शो टू, कि ओलंपिक कॉम्प्लेक्स अब एक मैजिक शो भी बन गया है। ध्यानचंद बिलीव्ड इन द बेस्ट, अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर इन द फील्ड बट ही सर्टेनली हैड द विल टू विन। ध्यानचंद बेस्ट में बिलीव करते थे, वे एक महान स्पोर्ट्समैन थे, इसके बाद भी वे कभी भी फील्ड में अपना टेम्पर लूज नहीं करते थे, कभी उनको गुस्सा नहीं आता था और वे केवल जीतने के इच्छा से खेलते थे। ध्यानचंद प्लेड विद एक्सलेंट टीम स्पिरिट, ही रेस्पेक्टेड हिज टीममेट्स। ध्यानचंद का जो खेलने का तरीका था वो टीम स्पिरिट से खेलते थे, एक्सलेंट टीम स्पिरिट थी उनके अंदर और वे अपने टीममेट्स को रेस्पेक्ट देते थे, उनका आदर करते थे। इवन दो ही वाज टैलेंटेड, ही नेवर बूस्टेड और शोड ऑफ, जबकि वो इतने टैलेंटेड थे उसके बाद भी वे कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं करते थे, कभी दिखाते नहीं थे कि मुझे मेरे अंदर इतना टैलेंट है। ही प्लेड सेल्फलेसली, और वे सेल्फलेसली खेलते थे, मीन्स वो बिल्कुल भी सेल्फलेस होकर नहीं खेलते थे, सबको साथ लेकर ही खेलते थे। एंड ही फाउंड दैट वन ऑफ हिज टीममेट्स वाज इन अ बेटर पोजिशन टू स्कोर, ही वुड इमीडिएटली फ्लिक द बॉल टू द वेल प्लेस्ड प्लेयर। और जब भी वे देखते थे फील्ड में कि कोई प्लेयर, उनका कोई टीममेट्स अच्छी पोजीशन में खेल रहा है, तो वो बॉल को उसकी तरफ फ्लिक कर देते थे, जिससे कि जो प्लेयर अच्छा स्कोर बना रहा उसकी ओर बॉल को फ्लिक करते थे, और इस तरह से वे एक टीम स्पिरिट के साथ खेलते थे। हॉकी इज अ गेम ऑफ 11 प्लेयर्स नॉट ऑफ वन इंडिविजुअल, ही ऑलवेज सैड। और वे हमेशा ये कहते थे कि हॉकी 11 प्लेयर्स का गेम है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का, किसी एक अकेले खिलाड़ी का कोई गेम नहीं है हॉकी, ये 11 खिलाड़ियों का गेम है जो कि मिलकर खेला जाता है। एट द एज ऑफ 51 ध्यानचंद रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एज अ मेजर। जब ध्यानचंद की एज 51 ईयर की थी, वे आर्मी से एज अ मेजर रिटायर हुए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम दैट ईयर बाय अवार्डिंग हिम द पद्म भूषण, इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। उसी साल इंडिया के गवर्नमेंट ने ध्यानचंद को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था, ऑनर है। ध्यानचंद ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन December 3, 1979 इन दिल्ली, और ध्यानचंद की डेथ दिल्ली में 3 December 1979 को हुई। अ ईयर आफ्टर हिज डेथ द इंडियन पोस्टल सर्विस इशूड अ कमरेटिव स्टैम्प इन हिज ऑनर। कमरेटिव मीन्स इन हिज इन द मेमोरी ऑफ, उनकी याद में। उनकी डेथ के एक साल बाद इंडियन पोस्टल सर्विस ने एक स्टैम्प जारी किया उनके सम्मान में, उनकी मेमोरी में। इन एडिशन द ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली इज नेम्ड इन हिज ऑनर, और इसके साथ ही ध्यानचंद के नाम से न्यू दिल्ली में नेशनल स्टेडियम भी बनाया गया। August 29th हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया, और इंडिया में हर साल 29 अगस्त को उनका बर्थडे एज अ स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। द प्रेजिडेंट गिव्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स, और इंडिया के प्रेजिडेंट स्पोर्ट्स के फील्ड में अवार्ड्स देते हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड, और ये अवार्ड्स स्पोर्ट्स डे वाले दिन ही दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में इंडिया के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स डे वाले दिन स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ अवार्ड्स देते हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। इन 2002 ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाज सेट अप टू ऑनर दोज स्पोर्ट्स पर्संस हु हैव नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट्स बाय देयर परफॉर्मेंस बट कंटिन्यू टू डू सो फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स
इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम एन एक्टिव स्पोर्टिंग कैरियर। 2002 में एक ध्यानचंद अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए शुरू हुआ स्पोर्ट्स और गेम्स के फील्ड में ये सेटअप किया गया ध्यानचंद को सम्मान देते हुए, उन स्पोर्ट्स पर्सन को सम्मान देने के लिए जो केवल अपनी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में देते हुए परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में देते हैं, इसके अलावा उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी जो कि रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव रहते हैं स्पोर्टिंग कैरियर में और स्पोर्ट्स को प्रमोशन देते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को भी ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए देने की शुरुआत हुई जो कि स्पोर्ट्स और गेम्स के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल, जिसमें आपको करना है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, वेयर डिड ध्यानचंद फैमिली फाइनली सेटल्ड? तो ध्यानचंद की फैमिली सेटल्ड हुई थी फाइनली झांसी में, आपका आंसर है ए, जिसे आपको टिक करना है। सेकंड, व्हाई डिड ध्यानचंद हैव नो फिक्स टाइम टू प्ले? इसका आंसर आपके पास क्या है? ध्यानचंद के पास खेलने का टाइम फिक्स नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली? नो। बिकॉज ही हैड टू पे अटेंशन टू हिज आर्मी ड्यूटीज? यस, आंसर आपका है बी, बी पर आप टिक कर सकते हैं, बी पर आप टिक का निशान कर दीजिए, मार्क लगा दीजिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर थर्ड, व्हाई डिड द डच ब्रेक हिज हॉकी स्टिक? डच ने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को क्यों तोड़ दिया? ए, बिकॉज दे थॉट दैट द स्टिक वॉज वेरी लाइट? नो, बिकॉज दे थॉट दैट देयर वॉज अ मैग्नेट इनसाइड इट? यस, डच ने क्यों तोड़ा था इनकी स्टिक को? क्योंकि उनको लगा था कि इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है, तो आपका आंसर फिर से बी है। नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस, हाउ डिड ध्यानचंद एंड हिज फ्रेंड्स प्ले हॉकी इन देयर चाइल्डहुड? ध्यानचंद और उनके फ्रेंड्स बचपन में जब यंग थे तो कैसे हॉकी खेला करते थे? ध्यानचंद एंड हिज फ्रेंड्स यूज टू प्ले सेल्फ मेड स्टिक एंड अ बॉल इन देयर चाइल्डहुड। ध्यानचंद और उनके फ्रेंड्स हॉकी खेलने के लिए अपने आप हॉकी स्टिक और बॉल बनाते थे। दे मेड देयर हॉकी स्टिक यूजिंग ब्रांच ऑफ पाम ट्री एंड बॉल विद ओल्ड रैग्ड क्लोथ्स। वे हॉकी स्टिक बनाते थे खजूर के पेड़ की ब्रांच को काट कर और बॉल बनाते थे पुराने फटे हुए कपड़ों से, राइट? इस तरह से ध्यानचंद और उनके फ्रेंड्स हॉकी खेला करते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज ध्यानचंद कॉल्ड द हॉकी बिजार्ड? हॉकी बिजार्ड ध्यानचंद को क्यों कहा जाता है? ध्यानचंद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ही इज कॉल्ड द हॉकी बिजार्ड ड्यू टू हिज मैजिकल स्टिक वर्क एंड अमेजिंग कंट्रोल ओवर द बॉल। ध्यानचंद इंडिया के महान प्लेयर थे और उन्हें हॉकी बिजार्ड कहा जाता है क्योंकि उनका मैजिकल स्टिक वर्क और बॉल पर अमेजिंग कंट्रोल था, इसलिए उनको हॉकी बिजार्ड कहा जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, राइट अबाउट सम ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ ध्यानचंद। यहाँ आपको ध्यानचंद के कुछ ग्रेट अचीवमेंट के बारे में बताना है। ध्यानचंद वॉन 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन विच फर्स्ट इन अमेस्टर्डम 1922। ओलंपिक गेम्स में 3 मेडल्स जीते थे ध्यानचंद ने। फर्स्ट जीता था अम्स्टर्डम में 1928 में, सेकंड जीता था लॉस एंजल्स 1932 में और थर्ड गोल्ड मेडल मिला था बर्लिन में एज अ कैप्टन 1936 में इन द फील्ड ऑफ हॉकी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज हॉकी बिजार्ड और उनको हॉकी बिजार्ड भी कहा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड ध्यानचंद विद पद्म भूषण अवार्ड और इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने ध्यानचंद को पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था।
क्वेश्चन नंबर 4, नेम द अवार्ड्स कन्फेयर अपॉन ध्यानचंद बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ आपको अवार्ड्स के नेम बताने हैं जो कि ध्यानचंद के ऑनर में गवर्नमेंट इंडिया ने अनाउंस किए हैं। अगस्त 29th ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया एवरी ईयर। इंडिया में हर साल 29th अगस्त ध्यानचंद का बर्थडे एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे द स्पोर्ट्स पर्सन्स आर अवार्डेड एज द राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अ ध्यानचंद अवार्ड इज ऑल्सो गिवन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। और इसके साथ ही ध्यानचंद अवार्ड भी लाइफ टाइम और अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स और गेम में दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द बिहेवियर ऑफ ध्यानचंद। ध्यानचंद वाज अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन बट ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर इन द फील्ड। ध्यानचंद एक महान स्पोर्ट्समैन थे लेकिन वे फिर भी फील्ड में अपना टेम्पर लूज नहीं करते थे, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। ही प्लेड विद एक्सलेंट टीम स्पिरिट, और वो बहुत अच्छे से टीम स्पिरिट के साथ खेलते थे। ही ऑलवेज रेस्पेक्टेड हिज टीम मेट्स, और वे अपने टीम मेट्स को रेस्पेक्ट देते थे। इवन दो ही वाज टैलेंटेड ही नेवर शोड ऑफ, वे जबकि इतने टैलेंटेड थे उसके बाद भी वे कभी भी शो ऑफ नहीं करते थे, अपने आप को जताते नहीं थे कि मैं इतना महान खिलाड़ी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।